पिछले कुछ दिनों में 3 हिंदू टेंपल पर अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये कंसर्न की बात है इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए। इसके बारे में चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरिज्म को प्रमोट करने वाला देश है, बट यहाँ के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये टर्म से खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये टर्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लस्टर ऑफ ट्राइब्स बन जाएगी, जैसे कि फॉर्मर पीएम जॉन कर्टिन, स्टैनली ब्रूस एंड लेबर लीडर एचवी इवेंट। बट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीकल्चरिज्म को प्रमोट करती है, जहाँ पे कैनबेरा में हर फरवरी में एक वीक के लिए नेशनल कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस्कॉन मंदिर ऑन 23 जनवरी, शिव मंदिर ऑन 16 जनवरी एंड बीएपीएस मंदिर ऑन 12 जनवरी, इन तीनों टेंपल पर अटैक हो चुका है और एंटी हिंदू स्लोगन्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इंडियन पॉलिटिशियंस को भी ये स्लोगन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके चलते ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स ने ये कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर दिया है, और उनकी कंट्री में सबको अपने फेथ को प्रैक्टिस करने का हक है। सिमिलर इंसिडेंट हमें कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। जब इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो ये भाई साहब सबसे पहले आते हैं। अच्छा बात नहीं है। बट जाने से पहले हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके।